हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशीष लाल बिहारी यादव जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, पेटीएम पोस्ट की तरफ से। इस कॉल को ट्रेनिंग कॉल पर्पस के रिकॉर्ड किया जा रहा है। पेटीएम से मैं जो देख पर आपने 28,000 रुपया लोन लिया था लगभग 6 महीने पहले, तो सर अभी तक पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए क्या है ना कि इंटेंशन इशू है, फिलहाल आप आरटी पे डाल दो। हेलो, हाँ बोलिए। बोलो आप आरटीपी डाल दो, इंटेंशन इशू। इंटेंशन इशू, हाँ तो पेमेंट नहीं करना है? नहीं करना। क्यों आप पैसा लेके नहीं करना है? अरे यार, तो फिर आपको भी तो समझना चाहिए ना कि आप मेरा तो, मेरी प्राइवेसी आप ब्रीच करोगे तो मैं घंटा पैसा नहीं देने वाला। क्यों? आपसे 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 पहले जो एजेंसी को जो मेरी केस थी ना, उन्होंने मेरे जो है कि रिलेशन वालों को रिलेटिव को कॉल करके पैसे तो ले लिए, पर मैं कहाँ से दूंगा? मेरी तो जो भी प्राइवेसी थी मेरी तो उन्होंने ब्रीच किया, सबको बता दिया, तो मैं क्यों पैसा दूंगा बताओ मेरे को। मैं तो उसी महीने में देने वाला था, लेकिन उस बंदी ने जो है इधर से ऊपर कॉल करके सब खत्म कर दिया। मैं तो आज तक तो पेमेंट हो गया होता, 3 महीना हो गया होता पेमेंट होके। 3 महीने तक कब से पार हो गया, 6 महीने हो गया। हाँ तो वही बात है, प्रॉब्लम वही है। मैंने अभी बोला था कि मैं करता हूँ पेमेंट, हाँ मैंने बोला था 10 तारीख को, उसने 1 तारीख को ही सब जगह रख दिया, तो मैं काहे के लिए पेमेंट करेगा बताओ। कौन कौन कॉल किया आपका जो इससे पहले जो एजेंसी को, किसको था आप पता कर लीजिए, मेरे पास भी रिकॉर्डेड है। बेसिकली जो होता है, आपको पहले 1 महीना तो आपको कॉल नहीं जाना चाहिए, 1 महीना बाद कॉल किया होगा। 1 महीना पहले नहीं, 3 महीने पहले किया था मैंने। तो अभी तक 3 महीना हो गया, अब तक तो पेमेंट भी हो गया होता, तो खत्म भी हो गया होता। लेकिन अभी देखो मेरी प्राइवेसी ब्रीच करोगे, मैंने बोला था कि मेरे रिलेटिव से कॉल लगाओ, उससे पैसा ले लो। तो मैंने तो करा ना सर, आपको कंपनी दी 1 महीने के लिए, आपने अच्छा ये बताओ मेरे को ये बताओ, कॉल नहीं करेगा? अच्छा अलाउ है आपको? अलाउ है, इसीलिए तो कॉल किया है। अच्छा अच्छा, आप मेरे को लिखित में दे सकते हो कि आरबीआई की गाइडलाइन में कहीं लिखा हुआ है कि आप जो है कि कस्टमर अगर पे नहीं करता तो आप उसके रिलेटिव को कॉल करोगे? सर अगर पे नहीं करेगा भाई, यार तो तुम भी बताओ, डीआरए किया है आपने? कुछ भी कर सकते हैं। डीआरए किया है ना? डेप्ट रिकवरी एजेंट तो मैं नहीं हूँ, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। तो फिर आप तो जो है कि कॉल करने का यही नहीं है आपको? हाँ वही तो बात है, मुझे भी पता है। हाँ फिर मुझे भी पता चलता है, ठीक है ना, जो आप जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन सिखा रहा है ना, उससे मुझे भी पता चलता है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। आपके एजेंसी का नाम क्या है, कौन सी एजेंसी से कॉल किया आपने? क्यों आपको क्यों जानकारी चाहिए? क्यों नहीं जानकारी चाहिए? आप कॉल किए आपको जानकारी वाला आपको आपको जानकारी चाहिए, आप जाकर जानकारी ले लीजिए। कहाँ जानकारी? ठीक है, कहाँ पर्सन है? अब लेके आप जाइए, जैसे आप जानकारी ले सकते। देखो देखो मेरी बात सुनो, मुझे मैसेज आया हुआ है, बस मैं कंफर्मेशन के लिए चाहता हूँ कि आप कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो। मेरी जो कंफर्मेशन मेरी जो केस है, कौन सी एजेंसी में, मुझे भी आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए कि आप कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हो। सकता है तीसरा कोई फ्रॉड आदमी रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ एटीएम पोस्टपेड की तरफ से, यहाँ पर फ्रॉडगिरी करने के लिए आपको कॉल नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, फिर आप मुझे एजेंसी का नाम बताने का आपको क्या लगेगा? आपको डाउट है, आपको डाउट तो फाइंड आउट करने का डाउट, मुझे डाउट इसलिए है, हम आपको यहाँ पर प्रूफ देने के लिए हम नहीं बैठा हूँ। आपको डाउट, आपको प्रूफ ले लीजिए, ठीक है? क्या क्या ले लूँ बोलो, आपको डाउट है ना, तो आप फाइंड आउट कीजिए सारे डिटेल्स। मैं क्यों फाइंड आउट? आपको जानकारी चाहिए तो आपको डाउट है ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से बोल रहा हूँ। आपको एजेंसी का नाम कंफर्म क्यों नहीं करा रहे हो? कल के दिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको अगर चाहिए फाइंड आउट तो आप कीजिए। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात कीजिए। आप अभी जो है गाली दे के निकल लो, ठीक है? हम थोड़ी गाली दे रहा हूँ, मैं किसको? आपको अच्छा बात बोलने से आप गाली सोचते हैं, आप कैसा आदमी है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं, आप क्या नहीं, आपके साथ बात करने से तो पता
आप कैसे आते हैं? मैं गाली दिया, बोलने साहब गाली सोचते हैं तो आपका तो इंटेंशन, हाँ मेरा इंटेंशन नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ आप इंटेंशन इशू डाल दो, आरटीपी डाल दो, वही तो उसमें जो है रिमार्क में ये भी डाल देना, आईडब्ल्यूसी डाल देना। मैं पहले बात बोल रहा हूँ, मेरा ऊपर मैं क्या करेंगे वो आप मत सीखेंगे, ठीक है? आईडब्ल्यूसी डाल देना, मेरा काम है, बोलता रहा हूँ, आपको बोलना जरूरत नहीं है, मेरा काम है, नहीं वो आईडब्ल्यूसी भी डाल देना। मैं क्या करेंगे नहीं करेंगे, दो दिन डीआरए काम करके बहुत बड़का समझने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? कहाँ से बात कर रहे हो? वेस्ट बंगाल। 10 साल तक काम कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर दो दिन का काम करके बड़का समझ रहे हो, वो सब छोड़ दो, ठीक है ना? मेरे साथ मत करो, पहले बात है जो मेरा काम है वो कर रहे, ठीक है ना? दूसरे का काम मत सिखाओ। हाँ, तो मेरा भी काम यही है कि आपको आरटीपी डाल दो, ज्यादा बहस करके मतलब नहीं। फिर भी एक ही बात ही बोल रहा, दूसरे का काम मत सिखाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक करा रहे हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर में जाके सिखाओ, ठीक है ना? दूसरे का मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो, अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो, दूसरों का बारे में टांग हो रहा है, ये सब सीखता है क्या? अजय बताओ, मैं क्या बोलो, चिटी पिटी करता है। अजय ये बताओ, कॉल कौन किया है? मैं किया हूँ, तुम किए हो? कॉल कौन किया है? कॉल कौन किया है आप लोग ने? कॉल कौन किया नहीं है, कॉल कौन किया है वो भी आता है ना, वो भी भूल गया, वो भी भूल गया क्या? क्या 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 मतलब क्या? दो दिन अंडा पर बड़ा बड़ा बड़का क्या बात कर रहे? हेलो हेलो हेलो, ओ बंगाली दादा, हेलो दादा, हेलो दादा, तुम्हें की बोलबो, ओ दादा दादा बुझबो बोल, ओ दादा हेलो जी, वीडियो चालू करने के बाद मोबाइल आपको दोस्तों, आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।